हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेजी चेनिंग, या जिसको हम सीरियल चेनिंग भी बोलते हैं। और डेजी चेनिंग हम मेथड यूज करते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो सीरियल मेथड है जिसको हम डेजी चेनिंग बोलते हैं, दूसरा हमारे पास पैरेलल मेथड है। तो यहाँ पे हम सीरियल मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी इंटरप्ट का मतलब क्या है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, डिस्क है, प्रिंटर है, स्कैनर। अब इन जितने भी मेरे पास ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, इनकी प्रायोरिटी जो है वो हम सेट कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर स्पीड। जैसे वन ऑफ द फैक्टर क्या है, बेस्ड ऑन द स्पीड। तो जैसे डिस्क की स्पीड ज्यादा है तो मैंने उसकी प्रायोरिटी हाई कर दी, कीबोर्ड की स्पीड कम है तो मैंने उसकी प्रायोरिटी लो कर दी। अब यहां पे ये सारे के सारे डिवाइसेज मैंने सीरियल वे से कनेक्ट कर दिए। अब हमारा एम क्या है, हम एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं। हमारा एम ये है कि अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ने, मतलब हाई प्रायोरिटी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया, तो बीच में लो प्रायोरिटी वाला कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और अगर लो प्रायोरिटी वाले ने इंटरप्ट जनरेट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हाई प्रायोरिटी वाला आया तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो बस वही चीज हमने इंप्लीमेंट करने के लिए ये मेथड जो है वो यूज करते हैं। तो वन ऑफ द मेथड इज डेजी चेनिंग। तो देखो यहां पे डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री, मल्टीपल हमारे पास डिवाइसेज हैं। आप चाहे और कनेक्ट करना चाहते हो मल्टीपल, इस तरीके से डिवाइस फोर भी लगा सकते हो। यहां पे डिवाइस वन का मतलब क्या है, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। जैसे डिवाइस वन मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी वाला, जैसे मैंने ले लिया ये हार्ड डिस्क, ये मैंने ले लिया लेट से माउस, ये मैंने ले लिया लेट से कीबोर्ड। बेस्ड ऑन देयर स्पीड, तो देखो हार्ड डिस्क की स्पीड सबसे ज्यादा तो मैंने उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी, और कीबोर्ड की स्पीड जो है वो सबसे कम है बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो मैंने उसको सबसे लो प्रायोरिटी में रखा। गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि सीरियल वे का मतलब क्या है। देखो तीनों के तीनों डिवाइसेज जो है ना सीरियल वे से कनेक्टेड है, सीरियल लाइन से क्या है कनेक्टेड है। अब देखो ये कहानी चलती कैसे, मैं आपको बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा, ताकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कोई पूछता है ना कि डेजी चेनिंग क्या है, इसमें हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सारे पॉइंट्स जो है ना आपको इस कहानी की तरह जो याद करने हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो चलिए, इन सारों को हमने क्या किया, सीरियल वे से कनेक्ट करके इस तरीके से रख लिया। अब होगा क्या, जैसे कोई डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करेगा तो इस सिग्नल को क्या कर देगा, वो वन, मतलब यहां पे सीपीयू के पास क्या आएगा, इंटरप्ट सिग्नल जो है वो मिल जाएगा वन। लेकिन सीपीयू को ये नहीं पता कि किसने जनरेट किया, उसको ये पता लग गया कि देयर इज सम इंटरप्ट अकर्ड, हो सकता है वो डिस्क ने किया, माउस ने किया, कीबोर्ड किसने किया। तो यहां पे वैसे तो सीपीयू में भी बहुत सारी पिंस हैं, लेकिन हम यहां पे सिर्फ दो यूज करें हैं, एक इंटरप्ट और एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। जैसे सीपीयू के पास इंटरप्ट सिग्नल आएगा ना, उसने पहला काम क्या करना, उसने इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को वन कर देना, मतलब इस सिग्नल को उसने वन कर दिया। अब देखो बड़ी मजेदार कहानी है कि सबसे पहले ये लाइन देखो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये सबसे पहले कनेक्टेड है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले डिवाइस के साथ। तो यहां पे वन जो आएगा ना, ये एक्नॉलेजमेंट में जब ये वन पास होगा तो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले डिवाइस के पास पहुंचेगा। तो ये पीआई क्या है, प्रायोरिटी इनपुट, इस बिट पे क्या आ गया, वन आ गया। तो ये क्या करेगा, उस वन को कंज्यूम कर लेगा। कब कंज्यूम करेगा, अगर लेट सपोज हार्ड डिस्क ने भी इंटरप्ट जनरेट किया हो, अगर हार्ड डिस्क ने इंटरप्ट जनरेट किया है, उसने क्या कर देना है, इस वैल्यू को कंज्यूम कर लेना है और आगे पास कर देना है जीरो। और ऑब्वियसली अगर जीरो आगे पास कर दिया, ये सारे क्या है, एक तरह से डीएक्टिवेटेड स्टेट में, चाहे इन्होंने इंटरप्ट जनरेट किया है चाहे नहीं किया, इनको हम मतलब इनको एक तरह से आप मान लो कि डोंट केयर की तरह काम कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्क को देंगे, डिस्क जो है वो वन कंज्यूम कर लेगा, बाकियों को जीरो दे देगा। और यहां पे जैसे ही उसने कंज्यूम कर लिया वन, अब ये क्या है, वीएडी, ये क्या है, वेक्टर्ड एड्रेस। वेक्टर्ड एड्रेस का मतलब क्या है, वेक्टर्ड एड्रेस होता है एक्चुअल में कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर रहा है ना, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ISR का जो एड्रेस है सीपीयू को दे। मतलब इंटरप्ट जब जनरेट हो गया, अब सीपीयू को किस एड्रेस पे जाके रूटीन चेक करना है, किस एड्रेस पे जाके उसका ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन को गेट करना है, तो वो एड्रेस जो है वो डिवाइस खुद प्रोवाइड करेगा। तो ये देखो लाइन यहां से सीधा कनेक्टेड होकर किस पे जा रही है, सीपीयू पे जा रही है, इसको बोलते हैं वेक्टर्ड। नॉन वेक्टर्ड के केस में हम क्या करते हैं, मेमोरी में फिक्स्ड पोजीशन में वो सारे एड्रेसेस रख देते हैं, तो सीपीयू वहां से उठा लेता है। अब देखो ऐसी अगर हम केस टू की डिस्कस, केस टू अगर मैं आपको बताऊं, केस टू लेट से अगर सारों ने ही इंटरप्ट जनरेट कर दिया, लेट से सारों ने अगर इंटरप्ट जनरेट किया, तब
भी क्या होगा, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट बिट आएगी तो हार्ड डिस्क जो है वो सबसे पहले एक इस बिट को कंज्यूम कर लेगी। इसने आगे वालों को क्या दे दिया, जीरो दे दिया और इसने अपना वेक्टर एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। लेट्स से अगर हार्ड डिस्क ने इंटरप्ट जनरेट नहीं किया, उसने कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं किया और लेट्स से माउस ने किया और कीबोर्ड ने किया, तब क्या होगा, जैसी ये वन बिट यहाँ पे आई इसने साथ के साथ प्रायोरिटी आउटपुट में क्या डाल देना है, वन डाल देना, मतलब उस वन को पास कर दिया। अब माउस ने इंटरप्ट जनरेट किया था, हाँ, तो उसकी प्रायोरिटी कीबोर्ड से ज्यादा है, यस, तो उसने क्या करना है, इस वन को कंज्यूम कर लेना है और आगे वालों को क्या दे देना, जीरो। तो इससे होगा क्या, अब माउस का वेक्टर एड्रेस जो है, जो उसका सर्विस रूटीन का एड्रेस है, वो सीपीयू को मिल जाएगा। अब लेट्स से अगर माउस ने भी जनरेट नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये आगे वन पास कर देगा, वो कीबोर्ड को मिल जाएगा, तो कीबोर्ड इसको कंज्यूम करके वेक्टर एड्रेस अपना प्रोवाइड कर देगा किसको, सीपीयू को। तो ये बेसिक सी कहानी है डेजी चेनिंग की, और इसमें बस मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एक्चुअल में हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसको पहले बोल रखा है कि भैया प्रायोरिटी वे से हम इंटरप्ट को हैंडल करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा पहले उसका इंटरप्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले का इंटरप्ट जो है वो हैंडल करेंगे। और हमने तीनों डिवाइसेस को, या अगर आपके पास और भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सारों को कनेक्ट कैसे किया, सीरियल कनेक्शन से जो है वो इनको कनेक्ट किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई द नेम इज डेजी चेनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेजी चेनिंग। ये कहानी आप याद रखना, कहीं पे भी आपसे पूछते हैं आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।